अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट ओवर टू डेज वर्क. ओपन योर इंग्लिश वर्क बुक. ओपन योर इंग्लिश वर्क बुक एंड योर पेज नंबर इज 10. इंग्लिश वर्क बुक योर पेज नंबर 10. योर टॉपिक इज पोइम कैट. कल हमने मैचिंग की थी पेज नंबर 9 पे, और पेज नंबर 10 पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. थ्री क्वेश्चंस हमने किए थे. इन क्वेश्चंस के आंसर हमने राइट किए थे. पेज नंबर 10 पर ही देखे, क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड यू प्लीज ड्रॉ एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पोइम इन फ्रेम बिलो. आपने अपनी ब्रॉडवे ओपन करनी है, उसमें पोइम कैट में अलग अलग कैट के एक्शंस हैं. उन एक्शंस में से आपको जो भी एक्शन पसंद है वो आप यहाँ अपनी बुक पर ड्रॉ करेंगे. आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक्शन कैट का यहाँ पर ड्रा करना है जो कि आपको अच्छा लगता हो. नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे अगर हम देखें, पेज नंबर 11 पे पोइम कैट की समरी है. समरी राइटिंग, समरी अ समरी डिटेल्स द मेन इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी पोइम इन अ शॉर्टर फॉर्म. समरी ये चीज़ होती है कि वो किसी भी पोइम की या किसी भी स्टोरी की हमें मेन इवेंट्स बताते हुए, यानी उसकी एक छोटे से फॉर्म में मेन इवेंट्स बताती है, मेन मेन के स्टोरी में हुआ क्या था. यहाँ पे 5 स्टेप्स दिए गए हैं समरी राइट करने के लिए. सबसे पहला स्टेप है समवन हु इज़ द मेन करेक्टर, यानी इस पोइम का मेन करेक्टर क्या था. तो इस पोइम का मेन करेक्टर था द कैट. कैट इस पोइम की मेन करेक्टर थी. वॉन्टेड, वॉट डिड द करेक्टर वॉन्ट. करेक्टर इसमें क्या चाहता है. मेन करेक्टर द कैट भी हो सकता है, द पोइट भी हो सकता है, क्योंकि वॉन्टेड में हम राइट करेंगे कि करेक्टर हमें डिस्क्राइब करना चाहता है मूवमेंट्स मेड बाय द कैट. टू डिस्क्राइब द मूवमेंट्स मेड बाय द कैट, वो हमें कैट की मूवमेंट्स के बारे में बताना चाहता है. बट व्हाट इज कीपिंग द करेक्टर अवे फ्रॉम हर गोल. ही टेक्स अ स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट ऑफ कैट, वो हमें कैट की मूवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है. सो हाउ डज द करेक्टर रीच हर गोल, कि वो अपने गोल तक कैसे पहुँचा, अपने मकसद तक कैसे पहुँचा. पोइट मीट्स ऑल द गोल ऑफ हिज करेक्टर, यानी पोइट्स ने अपने सारे करेक्टर के सारे मकासद पूरे किए थे, क्योंकि उसने पोइम में हमें स्टेप बाय स्टेप कैट के जागने से उसके उठने तक और उठ के जाने तक, दुम हिलाने तक, एक एक जो पॉइंट है उसका एक एक मूवमेंट है बताई थी. सो उसने अपने सारे गोल्स पूरे किए थे. देन हाउ डज द पोइम एंड, इट्स ऑलमोस्ट लुक लाइक अ फिल्म, कि पोइम कैसे एंड हुई थी. ये एक तरह से एक फिल्म की तरह एंड हुई थी, कि पूरी फिल्म की तरह उसने हमें एक एक करेक्टर बताया था. ये आपने राइट कर लेने हैं. नंबर 1 पे द कैट, नंबर 2 स्टेप टू डिस्क्राइब द मूवमेंट मेड बाय द कैट, नंबर 3 स्टेप ही टेक्स अ स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट ऑफ कैट, नंबर 4 पोइट मीट्स ऑल द गोल ऑफ हिज करेक्टर, नंबर 5 इट्स ऑलमोस्ट लाइक्स अ फिल्म. I hope you all are understand. Allah Hafiz students.